एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। इफ ए कॉमा बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, देन शो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू कॉस ए अपॉन टू। किसी भी ट्रायंगल के जो है, कोई भी ट्रायंगल है एबीसी, उसके हमें एबीसी क्या दिया गया है, इंटीरियर एंगल दिया गया है। जैसे कि हम पूरे ट्रायंगल प्लॉट कर लेते हैं, तो ये मेरा कोई छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं, ये मेरा कोई छोटा सा एक ट्रायंगल है, इसका हमने एंगल ए मान लिया, ये बी मान लिया है और ये सी मान लिया। तो ये हमारे इंटीरियर एंगल्स दिए गए हैं, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स दिए गए हैं। और हमें प्रूव क्या करना है, शो मतलब दिखाना क्या है, साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू कॉस ए अपॉन टू आएगा या नहीं आएगा, इस तरीके से प्रूविंग करनी है इनको। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि ट्राइंगल अगर मेरा बना हुआ है और इंटीरियर उसके एंगल दिए गए हैं, तो इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। तो वही काम करने वाले हैं, इंटीरियर एंगल ले लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और इनका सम क्या होता है, 180 के बराबर होता है। ठीक है, हमने लिख दिया प्रॉपर्टी, जो मेरी प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हमने इसको लिख दिया, प्रॉपर्टी यूज कर लिए। ठीक, अब क्या करेंगे हम इसको, साइन बी प्लस सी अपॉन टू निकालना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में बी प्लस सी रखनी है, तो बी प्लस सी हम लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ देंगे, ए क्या करेंगे राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। अच्छे से समझ लिए इसको क्या करने वाले हैं, बी प्लस सी हम लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ देंगे और ए क्या करेंगे राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो प्रूविंग में दिख रहा है वो ए का फंक्शन दिख रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में बी प्लस सी दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, और ये प्लस का ए था इधर लेकर आए तो हमारा क्या हो गया, माइनस का ए हो गया। अब बी प्लस सी अपॉन टू दिख रहा है, यहां पर भी टू दिख रहा है, मतलब डिवाइड में टू, तो लिखेंगे डिवाइड बाई टू बोथ साइड, डिवाइड बाई टू बोथ साइड, दोनों तरफ दो से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू 180 माइनस ए बाई टू, ये हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया b प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू 180 बाई टू करेंगे, 180 डिग्री बाई टू माइनस ए अपॉन टू, इसको टू अलग अलग लिख लिया, 180 के अपॉन टू लिख लिया और a अपॉन टू लिख लिया। फर्दर आगे हम इसको देखते हैं, b प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू 180 में से टू डिवाइड करेंगे तो निकल के क्या आएगा, 90 डिग्री निकल के आएगा, इसको कैंसिल आउट हो जाएगा, 90 बार जाएगा ये, और ये बचेगा माइनस का ए अपॉन टू। ठीक है, इतना हमने यहां पर सॉल्व कर लिया, फर्दर आगे इसको सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, बी प्लस सी अपॉन टू यहां पर आ गया और ए अपॉन टू यहां पर 90 माइनस ए बाई टू आ गया, लेकिन हमारा यहां पर क्या दिख रहा है, साइन इधर कॉस दिख रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन ले लेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा फंक्शन बी प्लस सी तो बन गया, बी प्लस सी बाई टू बन गया, लेकिन साइन नहीं है, तो क्या करेंगे, साइन ले लेंगे, टेकिंग साइन बोथ साइड, टेकिंग साइन बोथ साइड, साइन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे, साइन ले लेंगे, जब साइन ले लेंगे यहां पर लिखते हैं इसको, साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू साइन 90 माइनस ए अपॉन टू, दोनों तरफ क्या करा हमने, साइन ले लिया, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन बी प्लस सी बाई टू जैसा हमारा फंक्शन दिखने लगा, तो इसको एज इट इज लिखे रहने देंगे, साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू, ये एक फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, थीटा की जगह पर क्या है ए बाई टू, तो कॉस ए अपॉन टू, तो यही तो हमको प्रूव करना था, साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू कॉस ए अपॉन टू, यही तो हमें प्रूविंग करनी थी, तो प्रूव दैट, इस तरीके से हमारा ये प्रूव हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग यहां पर इसको स्टार बना लिएगा,